टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वापसी को लेकर तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे वो गुरुवार को खत्म हो गए। बता दें आपको कि धोनी को अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू T20 और वनडे सीरीज के लिए भी टीम इंडिया में मौका नहीं दिया गया। ऐसे में अब पूरे तरीके से विश्व कप को लेकर भी धोनी के खेलने की उम्मीद अब कम हो चुकी है। आपको बता दें कि विश्व कप 2019 में धोनी की स्लो बैटिंग सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई थी और अगले साल वर्ल्ड T20 में हर कोई चाहता था कि धोनी मुकाबला जरूर खेले। ऐसे में की माने तो अब धोनी का नाम अगले साल होने वाले वर्ल्ड T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर जा चुका है और अब कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। अगर ऋषभ पंत के अलावा नए विकेटकीपर की ओर देखा जाएगा तो वो संजू सैमसन होंगे। बड़ी बात यह है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी की वापसी नहीं होती है तो क्या धोनी के लिए अब करियर खत्म हो चुका है या फिर अब महेंद्र सिंह धोनी नीली जर्सी पहने कभी नजर नहीं आएंगे, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे। बता दें आपको कि BCCI के मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद भी ये बात कह चुके हैं कि महेंद्र सिंह धोनी से अब वो आगे सोच रहे हैं और वो नए खिलाड़ियों पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में धोनी की वापसी अब पूरी तरीके से मुश्किल नजर आ रही है। अगर धोनी बेहतर क्रिकेट नहीं खेल पाए तो फिर उनकी वापसी वैसे भी असंभव हो जाएगी। हालांकि उम्र के पड़ाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि धोनी को अब टीम में वापस आना बहुत मुश्किल पड़ेगा। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।